झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आज केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आजकल भाजपा के जो भी लोग इधर आते हैं घूमने फिरने टहलने, सबके युवा पे एक ही बात आता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ है, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है उदाई बाग में इस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही डर गया था, फिर कोनार्ड डैम को कहा गया जो रघुवर दास जी के समय में कि चूहा उतर गया 2500 करोड़ रुपए, कोनार्ड डैम पर चूहा उतर गया, और भी बहुत सारे मोमेंटम झारखंड का। ये सारे बातें तो ठीक है, आती है जाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आज जो खबरें निकल के रहा है वो था भव्य राम मंदिर का पहले ही बारिश में गर्भगृह में पानी चुना शुरू हुआ, और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं जो उसके आचार्य हैं, अर्चक हैं, महंत सत्येंद्र दास। जब हमारे जो विधेश्वर शंकराचार्य लोग कह रहे थे कि अर्धनिर्मित मंदिर है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अवतार पुरुष जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई नहीं, मैं अवतार हूँ और मैं जब चाहूँ राम को कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, उनके महिमा में जो अर्धनिर्मित मंदिर है, पहला बारिश में ही सारी कथा व्याकरण, केवल गर्भगृह नहीं चूरा, जो राम पथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया, जो रेलवे स्टेशन जहां भक्तगण जाते सबसे बड़ी संख्या में उसकी चार दीवारी भी गिर गई पहली बार। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, जिनके लिए भ्रष्टाचार ईश्वर से भी ज्यादा प्राथमिकता वाली चीज। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, अब बारिश अभी तक आई नहीं, पूरा मॉनसून बाकी है, जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह रूप लेगा, ये कल्पना सब परे। बहुत भ्रष्टाचार पे भाषण होता है, लेकिन एक बार भी
अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि निर्माण घटिया हुआ है भव्य राम मंदिर, उसमें पैसे खाए गए। गुजरात लॉबी वहां काम की, पूरे भ्रष्ट तरीके से ना निर्माण, ना मंदिर का निर्माण हो रहा है, संपूर्ण इलाके का उसी तरह का हाल। ये भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई संदेश को पहले ही बता दिया था चुनाव में कि तुम्हारा लूट और राम के जो लंका गमन के रास्ते में वैसे सात जगह जिसमें चित्रकूट से लेकर रामटेक से लेकर रामेश्वरम तक हर जगह भी यदि चुनाव खड़ी, ये बतलाता है कि प्रभु श्री राम का नाम का जो दुरुपयोग उन्होंने किया उसका ये प्रतिफलन। हम लोग आज बहुत आहत है इस बात से, क्योंकि जो सच्चा राम भक्त है वह इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके आस्था के साथ भ्रष्टाचार मिला। हम तो चाहते हैं कि यदि निर्माण जो स्मारक है वो यदि चाहे तो हम जाके वहां का आशीर्वाद देने को तैयार। हम अपने रामलला को बारिश में भीगने नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो धनुष बाण है वो हमारे साथ। इसी तरह का दुनिया को चकाचौंध और इस देश को चकाचौंध दिखाने वाले, आपको याद होगा सितंबर में G20 का एक समिट हुआ, उसको इस प्रकार से प्रचारित किया गया था कि शायद ये दुनिया का पहला अवसर है जब भारत को विश्व मंच मिला। हालांकि इसके पहले एशियाड भी हुए, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी हुए, कई कन्वेंशन हुए। आपको याद होगा जो बहुत ढोल धाक बजाया गया था भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर, याद कीजिए। उस दिन समिट के बाद 12 तारीख को दिल्ली में पहली बार बारिश आती है और संपूर्ण भारत मंडपम उजड़ जाता है। यह है भ्रष्टाचार का प्रतीक। भ्रष्टाचार का प्रतीक आपके बगल में हरमू नदी का नाली बन जाना, ये सब भ्रष्टाचार का प्रतीक। तो सुना आपने कि केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, यानी सीधा सीधा आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर लगाते हुए दिखा है। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी इन सब बातों पर गंभीर होते हुए क्यों नहीं दिख रहे, उनके नेता इस मामले पर कुछ बोलते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी और उनकी पार्टी जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जनता जो है पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस तरह के तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए खिलांचल टाइम्स। रांची से मैं मोहन कुमार।